અમદાવાદ ખાતે ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા અને બ્લડ ડોનેટ કર્યું હતું. ખાસ કરીને કોરોનાની મહામારીમાં લોકોને કોરોનાનો ચેપ લાગવાના ડરથી બ્લડ ડોનેશનની સંખ્યા ખૂબ જ ઘટી ગઈ હોવાથી બ્લડ બેંકમાં બ્લડની અછત સર્જાઈ રહી છે, જેથી ભારતીય વિકાસ પરિષદ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આશરે 150 બોટલ જેટલું રક્ત એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ કોરોના વાયરસથી લોકોને ચેપ ના લાગે તે માટે સેનિટાઈઝ કર્યા બાદ લોકોનું ચેકઅપ કરી બ્લડ લેવામાં આવતું હતું. આજ ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદ કે દ્વારા ઓર ખાસ અમારે સુશીલ રાજપૂત કે સહયોગ છે આજ એ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રખા ગયા હે. उसमें लगभग अपने रखने का कारण ये है कि मतलब अपने काफ़ी टाइम से लंबे टाइम से लॉकडाउन होने की वजह से हम लोगों को ऐसा पता चला. ब्लड बैंक में जब पता किया तो उन्होंने बोला कि अभी ब्लड की काफ़ी तकलीफ़ चल रही है, काफ़ी टाइम से ब्लड डोनेशन कैंप हुए नहीं हैं, तो उसके वजह से ब्लड की शॉर्टेज चल रही है. तो फिर सुशील का मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है तो क्या करना चाहिए, मतलब अभी अपने ब्लड डोनेशन कैंप कर देते हैं तो उसमें बॉटल्स हो जाएंगी तो ठीक रहेगा, अपने लोगों को सपोर्ट रहेगा, जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को काम में आएगा. तो उसके अनुसंधान में ये आज ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है. तो उसमें आज लगभग 150 बॉटल्स का अनुमान है, अभी तक लगभग 70 बॉटल हो चुकी हैं, बाकी और अभी चल रहा है और लगभग 150 बॉटल इकट्ठी की जाएगी. बस मैसेज तो यही है कि भी लोगों को ज़रूरत है तो उन लोगों को जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है ब्लड की तो उनको प्रॉपर वे में ब्लड मिलता रहे और कमी ना पड़े ब्लड की, इसके यही मैसेज है. लोगों को सहयोग की दृष्टि से कि भी लोगों को जो रिक्वायरमेंट है तो उनकी पूरी हो. ऐसा मैसेज की कोई खास बात नहीं है, बस सेवा का भाव है और लोगों के लिए मतलब जितना बने उतना सहयोगी हो और सहयोग करें, समाज के लिए जितना उपयोगी हो सके उतना हो, वही भाव है और दूसरा स्पेशल कोई मैसेज नहीं है. जितना बने उतना लोगों की सेवा हो, यही है. राकेश भरवाड़ साथे दिव्यश निशित, NS गुजरात न्यूज़, अहमदाबाद.